हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वही वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप में आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो वही वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो ये हमें अपने थ्री बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पर, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ रहा है कॉलर आईडी स्पेंड, तो हम उस पर क्लिक कर देना और इन ऑप्शनों को दोनों को ऑन कर देना। अगर आपके फ़ोन में ऑफ है तो आपको भी ऑन कर देना है। तो अगर बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हम उस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर अनकाउंट नंबर के ऑप्शन को जब हम ऑन कर देंगे तो गाइस इससे क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो नंबर जो आपके फ़ोन में आपके जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है, आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि इसी पर्सनल नंबर को आप पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है आपको, तो उसके लिए ऐड ए नंबर पे क्लिक करना और जिसकी ब्लॉक करनी है आपको, तो आप यहाँ से उसका नंबर डाल के यहाँ पे यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइस बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कई सारे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो सिम कार्ड सेटिंग, मोबाइल नेटवर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉल वेटिंग का ऑप्शन है यहाँ से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल वेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग कर सकते हैं, आउट आंसर कॉल है इस ऑप्शन को भी आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, तो आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग वो खुद हो जाएगी आपकी कॉल सेटिंग में आपकी जो कॉल आएगी। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग, तो इन ऑप्शनों को आपको ऐसे रहने देना। तो ये बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट को जब ऑन कर देते हैं हम, तो गाइस हमारा जो पर्सनल नंबर है वो पर्सनल नंबर है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, सॉरी जो आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है वो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना, तो आपको सेलेक्ट नंबर पर क्लिक करना है, चूज़ ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको जिस नंबर को आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको उसका नंबर से यहाँ से सेलेक्ट कर देना। तो कहीं बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑपरेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है शोल्ड पे, तो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिससे गाइस आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या लास्ट नेम से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस बैक कर जाते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेव रिप्लेस, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इन ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद गाइस बैक कर जाते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक रिस्पॉन्स, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिसके आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है, आप उससे की कॉल नहीं उठा पा रहा है, तो आपको जब टाइम मिले तो आप यहाँ से उससे SMS भेज सकते हैं। तो बैक कर जाते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड प्राइवेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गाइस अपने फ़ोन में अपने साउंड एंड वाइब्रेशन जो भी अपने नोटिफिकेशन रिंगटोन अलार्म जो भी आपको लगाना आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो कहीं बेक आ जाते हैं, बेक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉइस नंबर पे क्लिक करना होगा। तो कहीं आपको जिस नंबर पे अपनी वॉइस भेजनी है उसका नंबर डाल के इसे ओके कर देना है। तो कहीं इस तरीके से आप यहाँ से वॉइस भेज सकते हैं अपनी। तो बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना। ऑन होने से क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन पर किसी की व्यक्ति की कॉल आ रही है जो आपके फ़ोन की रिंगटोन बजती है, आप चाहते हैं कि इसे ऑफ कर दे दें, तो आपको जब इस ऑप्शन को ऑन कर देना फ्लिप टू साइलेंट, तो आप अपना फ़ोन में फ्लिप करेंगे यानी कि अपना फ़ोन उल्टा कर देंगे, तो आपकी जो रिंगटोन है वो ऑफ हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।